स्टूडेंट्स, हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मीन की एस्टिमेशन देखी और फिर उसके एग्जाम्पल भी परफॉर्म की। अब हम वेरियंस की एस्टिमेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। स्टूडेंट्स, ये वही टेबल है जो मैं आपको पहले भी शो कर चुका हूं। इस टेबल में हमने सैंपल की कंपोजिशन को देखा है और डिफरेंट रैंडम स्टार्ट्स पर हमने देखा है कि किस तरह से सैंपल्स हम कंपोज करते हैं और हर सैंपल का हम मीन किस तरह से ले सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम इन सारे सैंपल मीन्स का अगर मीन फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारे पास ओवरऑल एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है वाई सिस्टमैटिक सैंपल की, और वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होती है। अब हम अगर ये इंटरेस्टेड हों कि इस जो सारे जो हमारे पास मीन्स हैं इनका वेरियंस फाइंड आउट कर लें, तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इन वैल्यूज का हम यूजुअल फॉर्मूला के थ्रू वेरियंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपल मीन्स का वेरियंस आ जाएगा, जिसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, वाई बार आर माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर सम एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। ये वेरियंस का वो बाय डेफिनेशन जिस तरह हम वेरियंस को फाइंड आउट करते हैं, ये वो फॉर्मूला यहां पर दिखा है। इससे हम ये देखेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है जो सिस्टमैटिक सैंपल मीन का वेरियंस का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे जिसमें एस डब्ल्यू स्क्वायर ये नीचे आपको दिया गया है, जिस पर मैं आगे चलकर अभी डिस्कस करता हूं। सो स्टूडेंट्स, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियंस फॉर द सैंपल मीन अंडर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सो हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपल मौजूद हैं और हम लोगों ने ये देखा है कि ओवरऑल जो टेबल में वैल्यूज मौजूद हैं, अगर उनका वेरियंस निकालें आप सारी वैल्यूज का जो टेबल में जिस जो सैंपल कंपोज की हैं, जो पूरी पॉपुलेशन है आपकी, उसका आप वेरियंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। दैट इज, हर एक वैल्यू में से माइनस करेंगे पॉपुलेशन मीन को, स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और टोटल नंबर पर डिवाइड कर देंगे एन के माइनस वन पर। एन के इज योर कैपिटल एन हेयर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, अगर आप इसके इस एक्सप्रेशन में स्मॉल वाई बार आर को माइनस और प्लस कर दें तो आप इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी। डबल समिशन अभी बाहर ही होगा तो आप उसे ओपन करेंगे, जब डबल समिशन आप अंदर अप्लाई कर देंगे तो पहली टर्म आपके पास ये आएगी, दूसरी टर्म आपके पास ये आएगी और तीसरी टर्म जो प्लस टू ए बी है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। सो स्टूडेंट्स, जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है वो एक्सप्रेशन है ये। अगर आप पहले हिस्से पर गौर करें, दैट इज वाई आर आई माइनस वाई बार आर, दैट इज मीन ये यहां इस रो में से हर एक वैल्यू में से इसका मीन माइनस किया गया है, स्क्वायर लिया गया है और उसको सम किया गया है। अगर मैं सिर्फ y बार r की बात करूं, y बार r यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन को, यानी 1b, 2b, कोई भी r कुछ भी हो सकता है यहां पर। ये 1 होगा तो पहली रो की बात हो रही है, ये 2 होगा तो दूसरी रो की बात हो रही है, लेकिन ये ओवरऑल सम किया गया है। हर वैल्यू में से उसका रिलेटिव मीन माइनस किया गया है, स्क्वायर लिया गया है और सम। ये वेरिएशन मेजर कर रहा है विद इन वेरिएशन को, जो हर एक सैंपल के सैंपल वैल्यूज के अंदर जो वेरिएशन है ये उसको मेजर कर रहा है। एंड दिस इज y बार r माइनस कैपिटल y बार बिटवीन, ये बिटवीन मीन्स में जो वेरिएशन है ये उसको मेजर कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में विद इन वेरिएशन सैंपल के एक सैंपल के विद इन वेरिएशन को मेजर करते हैं और बिटवीन वेरिएशन को मेजर करते हैं। सो यहां पर हमने इस एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में इसी तरह से डिवाइड किया है। सो स्टूडेंट्स, यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। अगर आप
इस एक्सप्रेशन के ये वाले हिस्से को चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको हवाला दिया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, वहां हम विद इन वेरिएशन को इस तरह से ही लिखते हैं, यानी एस डब्ल्यू स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी डबल समेशन आर इज इक्वल टू वन टू के आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आर आई माइनस वाई बार आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू एन माइनस वन। इस एक्सप्रेशन को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्दर इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ जो है कैपिटल, यानी ये पूरे एक्सप्रेशन को दोनों तरफ जो है कैपिटल एन से डिवाइड कर दें, यानी इस तरफ भी कैपिटल एन से डिवाइड कर दें, इस तरफ भी कैपिटल एन से डिवाइड कर दें, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन ये होगा। ये वाला एक्सप्रेशन यहां आ जाएगा और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन सिस्टमैटिक सैंपलिंग का सैंपल मीन का वेरियंस बन जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन भी अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन बट बाय अ लिट बिट मैनिपुलेशन। अगर आप इक्वेशन को थोड़ा सा कुछ टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो आपके पास अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो वेरियंस ऑफ वाई बार सिस्टमैटिक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरियंस ऑफ वाई बार अंडर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड दिस इज द एक्सप्रेशन विच वॉज रिक्वायर्ड।